और सत्य मानिए कितनी मेहनत करके आए हैं यहाँ पर, ये यही जानते हैं और मैं जानती हूँ, क्योंकि बड़ी देर में इनके पास खबर पहुंची कि इस कार्यक्रम को आपको रिकॉर्ड करना है। हमारे महेंद्र भैया और कई लोगों ने इच्छा जाहिर की कि ये कार्यक्रम इस गांव का भारतवर्ष में देखा जाए, तो आप केएस म्यूजिक चैनल से बात कर लें। मैंने संजय भैया को फोन किया, इन्होंने कहा आना बड़ा असंभव है, इतनी देर में बताया जा रहा है, तकरीबन 10:30 बज गया था ये भाई भाई। और तब ये चले हैं सत्य मानिए, इन्होंने बीच बीच में फोन किया, पानी पीने का भी समय इनको नहीं मिला यहाँ तक आने में, तो हम चाहेंगे इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि इतना परिश्रम करके फिरोजाबाद से यहाँ तक आना मुश्किल बात है, फिर भी आप आए। आइए चार युगी, अगर ये चैनल चल रहा है, गीत जा रहे हैं, तो कोई एक ऐसा गीत नया चला जाए जो अभी तक नहीं गया। स्वागत, उठाइए कलम। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया कौन सा, के प्यार समंदर से गहरा ये लोग कहते हैं, किसी दुश्मन को भी ना लगे ये रोग कहते हैं, तो इस पार हम तड़पे उस पार तुम तड़पो, और प्यासे रहे दो दिल इस पार तुम तड़पो, तो यूं जिए कोई बात आ जाए कि याद करे, याद की बात आ जाए। समझा, जिस समय दुष्यंत ने शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह किया, इस विवाह की जानकारी सबको नहीं है, इन्हीं दोनों को है। दुष्यंत ने एक अंगूठी उतार कर शकुंतला को दे दी और कहा शकुंतला जब कभी तुम मेरे पास आओगी तो ये अंगूठी दिखा देना, मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा। समय बीतता गया और ये कहकर राजा दुष्यंत अपने राज्य में चले गए। एक दिन शकुंतला उनकी याद में खोई है, अचानक से दुर्वासा ऋषि निकले और दुर्वासा ऋषि उन्होंने देखा कि शकुंतला ने मुझे प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा जा जा शकुंतला, तू जिसको याद कर रही है वही तुझे भूल जाएगा, वही तुझे भूल जाएगा। और देखते ही देखते वो अंगूठी भी पानी में गिर गई, उसको एक मछली निगल गई। अब कोई निशानी भी नहीं है शकुंतला के पास, शकुंतला उस अंगूठी को कैसे ले जाए वो है नहीं, एक पुत्र भी हो गया है, वो पुत्र है भरत। शकुंतला ने सोचा अंगूठी नहीं है तो भरत को दिखा कर कहूंगी राजा से कि हमारे तुम्हारे प्यार की निशानी है। लेकिन जब शकुंतला राजा के राज्य में भरत को लेकर पहुंची तो राजा दुष्यंत ने कहा तुम कौन, जैसे ही कहा तुम कौन, तुम कौन, तो दुष्यंत से शकुंतला कहने लगी क्या कि याद करिए स्वामी, अश्व पे चढ़ के आप जब वन में आए थे
भगवान शंकर का डमरू भैया हमारे नरेंद्र भाई और मनीष भाई दोनों ढोलक वादक हैं, नाल वादक हैं। आप दोनों की तरफ से हमारे बउआ भैया के पुरस्कार और पुष्पमाल है। और क्या बउआ की बातें अलग है बेटे, यानी कलाकारों के द्वारा कलाकार का सम्मान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है दोनों भाइयों को। देखिए शकुंतला ने राजा दुष्यंत से कहा, अश्व पे चढ़ के आप जब वन में आए थे और अपना लो मुझको देवी ये वचन सुनाए थे, जीवन साथी बनकर हर रीत निभाई थी, जीवन साथी बनकर हर रीत निभाई थी, और निशानी रूप में तुमने अंगूठी पहनाई थी। राजा ने कहा वो अंगूठी कहाँ है दिखाओ, रानी ने कहा वो तो नहीं है, राजा ने कहा तो मैं कैसे मानूं तुमको अंगूठी मैंने दी, तो रानी ने कहा अगर अंगूठी पर विश्वास नहीं है तो ये देखो, अपने पुत्र भरत को आगे बढ़ा दिया और कहा राजा ये तुमने दी संता तुम्हारे प्यार की निशानी है और इससे बड़ा प्रमाण वो अंगूठी नहीं हो सकती थी। तो ये तुमने दी संतान क्या तुम्हें याद नहीं, और अब नहीं रहे पहचान क्या तुम्हें, पुरस्कार तो आपको मिलना चाहिए, आप हम लोगों को दे रहे हैं और क्या ये अच्छा क्या केएस म्यूजिक चैनल से पुरस्कार है और हमारे संजय भैया की बिटिया कशिश सिंह राठौर जिनके माध्यम से ये चैनल चल रहा है कशिश के नाम पर, उस बच्ची की ओर से ये प्यार भरा पुरस्कार है मेरे लिए। 101 मुद्राओं का मैं ढेर सारा इसने आशीर्वाद दुआएं सब दे रही हूँ। परमात्मा उस बच्ची को हमेशा खुशहाल रखे, और अभी तो छोटी हैं आप, खूब नाम करें और बहुत अच्छा घर बहुत अच्छा वर मिले आपको, मेरी शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद है। अब देखिए पहली बात चाचा, पहली बात याद दिलवाया जा रहा है और जिसको याद दिलाया जा रहा है उसको याद आ रहा है शकुंतला और दुष्यंत का प्रसंग। अब दूसरी जगह देखिए, सीता जी का हरण हो गया, सारे लोग राम जी के पास बैठे हैं, सीता का पता कैसे लगाए, समुद्र की दूरी है 100 योजन, कोई कह रहा है मैं 10 योजन जा सकता हूँ, कोई कह रहा है मैं 20 योजन, कोई 30 योजन। हनुमान जी चुपचाप बैठे क्योंकि हनुमान जी को अपना बल याद नहीं, लेकिन उनसे जामवंत जी कहने लगे कि हे हनुमान याद करिए, दिनकर को लीला इंद्र ने वज्र चलाया था, आपने ही सूर्य को निगल लिया तो दिनकर को लीला वज्र जलाया था, और देवों के द्वारा तुमने अतुलित बल पाया था, नादानी से मुनियों को आपने हनुमान के नादानी से मुनियों को जब ताप दिया था, बल भूल जाओगे मुनियों ने ये श्राप
कोई दिया था, आपने मुनियों को श्राप दिया तो उन्हीं मुनियों ने आपको श्राप दिया कि हनुमान तुम अपना बल भूल जाओगे। और आज ये जामवंत जामवंत कह रहे हैं तुम हो वीर बलि हनुमान क्या तुम्हें यहाँ भी हनुमान को उनका बलियान दिलाया जा रहा है और हनुमान को बलियान आ गया। हनुमान जी गरज के उठे, उन्होंने कहा अरे सीता जी की खोज करना खबर करना तो छोटी बात है, अगर प्रभु की आज्ञा मिल जाए तो मैं रावण को मच्छर की तरह मसल कर चलाऊंगा। याद आ गया अपना बल, कथा को समझते रहिए। तीसरी जगह देखिए, चचा मैं शराबी नहीं। तीसरी जगह सुनिए, महाभारत समाप्त हो गया। एक बार धृतराष्ट्र बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया। बगल में वेदव्यास जी बैठे हैं, धृतराष्ट्र सोच रहे मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, मेरे तो आंखें भी नहीं है, आंखों से आदमी पाप करता है मैं तो देख भी नहीं सकता, फिर ये मुझे किस बात की सजा मिल रही कि मेरे एक नहीं 100 पुत्र मार दिए गए, 100 पुत्र एक साथ मार दिए गए। व्यास जी ने कहा सुनिए धृतराष्ट्र, सुनिए धृतराष्ट्र और याद करिए, हे कुरुवंशी क्रौंच का जोड़ा नगर में आया था, भैया लोगों से कह रही हूँ यहाँ भी सुनिएगा, धृतराष्ट्र को व्यास जी याद दिला रहे हैं, हे कुरुवंशी क्रौंच का जोड़ा नगर में आया था, 100 अंडों के जोड़े ने के 100 अंडों को जोड़े ने तब वहाँ उपजाया था। उन दोनों पक्षियों ने मिलकर, क्रौंच के जोड़े ने मिलकर 100 अंडे दिए थे और वही अंडे अंडों का रसोइये ने पकवान बनाया था, और प्रतिदिन एक एक अंडे को तब तुमने खाया था। आप रोज एक अंडा उन पक्षियों का खाते रहे, इस तरह से 100 अंडे खाए और जिसके 100 बच्चे आपने खाए तो आपके 100 बच्चे कैसे बचेंगे, दूसरे की औलादे मारेंगे तो अपनी औलादे सुखी कैसे रह सकती है। उन्होंने याद दिलाया कि 100 अंडों का पकवान क्या तुम्हें याद नहीं, कि 100 अंडों का पकवान क्या तुम्हें याद नहीं, और 100 भ्रूणों की लीजा और एक बड़ा आशीर्वाद। एक बार जोरदार बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है, ये सार्थक मंच है और ये बड़ी अच्छी बात है हमारे चचा की ओर से, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बड़ा प्यार आपसे मिलता है हर जगह, जब भी मैं कभी भी आपको देखती हूँ तो मुझे अपना समय याद आता है, जैसे आप पूनम के साथ लगे रहते हैं ऐसे ही पिता ने मेरे बहुत तराशा मुझे, तब यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। और जब कोई पिता वरद हस्त बनकर साथ में चलता है तो बच्ची का कल्याण होता है, कभी बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं प्रणाम कर रही हूँ। और 51 मुद्राएं आपने हमारे बबुआ भैया को भी भेंट किया है, भैया हमारे
अरविंद राजपूत जी पनवाड़ी के निवासी हैं आप, आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार इस गीत पर, और आप कह रहे कि मैं शराबी नहीं पीना, पीना नहीं। इसी क्रम में 100 रुपए का पारितोषक परम सम्मानित श्री अरविंद कुमार राजपूत जी जो आज के चीफ गेस्ट थे, जिला पंचायत सदस्य हैं, आपके द्वारा 100 रुपए का पारितोषक के लिए और 100 रुपए का पारितोषक बहुआ के लिए नाल वादक प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद मेरी तरफ से भी। और निवेदन कर रही हूँ, बार बार आप सुन रहे हमारे चाचा जी से कि क्रांति माला की तरफ गुरुवर के बड़े सुपुत्र आदित्य कृष्ण शर्मा, आदित्य भैया हमारे लिख रहे हैं, उन्होंने इस जवाब को भी लिखा है, इस गीत को भी उन्होंने ही लिखा है। तो अंतिम पंक्तियों में सुनिएगा कि क्या तुम्हें याद नहीं, तीन जगह तुम्हें याद नहीं, याद दिलाया जा रहा है कलयुग में। सुनिएगा इस कलयुग में कौन कह रहा है, शाबाश शाबाश। कहना है उस पाकिस्तान से, ए पाकिस्तान अपनी मतदान, पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था, कहना है उस पाकिस्तान से कि क्षमा दया छोड़ो, भाषा बोलो फौलादों की, क्षमा दया छोड़ो, भाषा बोलो फौलादों की, खाल खींच लो आतंकवाद के नाजायज औलादों की, भूल भूल यदि हो जाए तो फिर भूल सुधारी जाती है, भूल यदि हो जाए तो फिर भूल सुधारी जाती है, लेकिन कुत्ते पागल हो जाए तो फिर गोली मारी जाती है। अगर कुत्तों पर गोली मारी जाती है, पता नहीं कब काट ले, पता नहीं कहां काट ले, तो कहना है उस पाकिस्तान के लिए, पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था और पीठ दिखा कर भागा तू और मुंह की खाया था, आतंकवाद से तो तेरा गहरा नाता है, आतंकवाद से तो तेरा गहरा नाता है, और तू इतना बेशरम है कि तू मार खा कर भी सदा भूल जाता है। तो कहा भारत के वीरों ने, ये भारत देश महान, सुनिएगा मेरी पंक्ति, आपको अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कैसे कहा हिंदुस्तानियों ने, यह पाकिस्तान कि ये भारत देश महान, क्या तुझे याद नहीं, और तेरा बाप है हिंदुस्तान, क्या तुझे लेकिन मैंने आपको टोका नहीं, अभी भी अपने लिए कहीं नहीं टोका, अपने जवाब पे आज तक कभी कभी टोका नहीं हुई, क्या आप जबरदस्ती कर रही हो, गीत में जरूर पांच कुंवारी है ये, पांच कुंवारी है, अगर तुम्हारे में दो बातें थी हमारे में दो थी, कुंवारी तो है पांचों सारी सुधा और महानारी है ये, ये सुनो, और इतना नहीं, एक से ज्यादा मर्दों की
प्यारी अजय। कांतिमाला जी यहाँ नहीं, अपने घर में जाकर के मिला के देखना तौल के मेरे गीत को अपने जवाब को। कि पांच नारी है जे, पांच नारी है जे। सुनती नहीं हो, बिना सुने जवाब नहीं निकलता है। पांच चारों संतान हीना, संतान हीना बिचारी है जे। ये सारी दुनिया फिर भी महातारी है जे। ये फिर तीन ब्रह्मचारी है जे, ब्रह्मचारी है जे। ब्याह भी कर लिए, ब्याह भी कर लिए, ब्याह लोग कहते हैं ये बाप भी बन गए। ऐसे ब्रह्मचारी नहीं है, बाप भी बन गए। फिर ब्रह्मचारी ब्याह भी किए, ब्याह भी किए और बाप भी बन गए। मैं कुछ कह नहीं रहा कांतिमाला जी, लेकिन परशुराम जी ने ना तो ब्याह किया और ना कभी बाप बने। फरसे की धार ठीक है, लेकिन अब छोटे भाई का देखा हुआ जवाब है। संतोष करते हैं बच्चा, संतोष ना भी करे तो तुम्हारा कर क्या ले ले। क्या बात है, तुम कहते हो अब छोटे नहीं थे बच्चे, बच्चा बच्चा। चलिए ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं बिना। सुनो ये कहते बच्चे मैं तुमको क्षमा करना पड़ेगा, हमको भी क्षमा करना पड़ेगा। जानते हो क्यों? क्यों? बूढ़े और बच्चे बराबर ही होते हैं। क्या बात है, क्यों भाई? आप समर्थक हैं कि नहीं इस बात में? हैं? ठीक है। कि हम ऐसे करेंगे प्यार, हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे। हम जिए मरेंगे यार की दुनिया अच्छी थी आपकी, लेकिन गीत सुनकर के मुझे इतना कष्ट हुआ है। हुआ हुआ, हमें भी हुआ, क्योंकि वो गीत आप गा रही थी और कष्ट और तब हुआ जब आपने कहा है गीत राहुल का लिखा हुआ। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं आपकी पंक्तियां पढ़ के बता रहा हूँ। कहना इसलिए जरूरी है, अगर मैं नहीं कहूंगा तो गलती तुम आगे जाके कहीं और करोगे। कोई और टोकेगा तो तुमको बुरा लगेगा। मैं टोक रहा हूं तो इसलिए कम से कम बाप ने टोका है क्या दिक्कत है। ये तुमने दी संतान की दुनिया, ये तुमको याद नहीं। ये आदरणीय क्रांतिमाला जी, आपका गीत का जो पहला आधार है पूर्णतः सत्यानाश है। अरे
जानती हो क्यों? जिस बात पे तथ्य दे रही हो कि भरत को लेकर के वहां पहुंची शकुंतला दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। अरे किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, और जब लिखा नहीं तो कहेगी कैसे ये तेरी है संतान, क्योंकि उस समय संतान थी नहीं। बिटिया का दिमाला जी और भैया आदित्य की संगी घर में जाकर फिर से एक बार ग्रंथ को देखना, और ये सलाह देता हूं कि बिना ग्रंथ देखे कलम ना चलाए मेरा छोटा भाई। संतान नहीं थी शकुंतला की उस समय, पेट में थी। अरे उसको लेकर के आई, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब थिए ही नहीं तो कैसे है कि ये तेरी है संतान, ये तुझको याद नहीं। इसका मतलब गीत का आधार हर सत्यानाश। नहीं था भरत वहां नहीं हुआ, जब शकुंतला का तिरस्कार कर दिया और कर्ण ऋषि की यहां विदा लेकर चली आई। बिचारी वापस नहीं जाना चाहती, मरने के लिए तैयार है, लेकिन पुत्र पेट में इसलिए मर नहीं सकती। क्या बात, ये इस हालत में महर्षि कश्यप ने उनको देखा और अपने आश्रम ले गए। महर्षि कश्यप के यहां शकुंतला के पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। ये जय क्षमा चाहता हूं अगर आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन बात सत्य यही है कि सुधार करने की गाइएगा। आइए जवाब दे रहा हूं उसका। कौशिक मुनि के 100 पुत्र थे। दुनिया का जवाब, कौशिक मुनि के 100 पुत्र थे, लेकिन संयोग यह था कि सारे अच्छे चरित्रवान पुत्रों के द्वारा भी गौ हत्या हो गई। क्या बात, गौ हत्या हो गई। कौशिक मुनि बर्दाश्त नहीं कर पाए, कह दिया जाओ तुम 7 जन्मों तक त्रियक योनि में भटको। ये त्रियक योनि में भटकने लगे, लेकिन योगी थे उनको योग नहीं भूला, योग नहीं भूला। हंस बने हिरण बने योग नहीं भूला। क्या बात, लेकिन जब जब वो पक्षी योनि पाए तब क्या बात। सात के मन में काम वासना है आई, बनकर आए थे। तो ये 7 पुत्रों में जब वासना आ गई, आदरणीय हमारे अनुज श्री संजय सिंह जी केएस कैसे के आप ऑपरेटर हैं, बिटिया कशिश सिंह जिसके नाम से चल रहा है केएस म्यूजिक, उनकी ओर से ये 101 पुत्राएं भेंट हुई हैं। इस बात पर दीक्षित जी मैं आपका समर्थन करता हूं, शकुंतला के उस समय पुत्र नहीं था। क्या
काम वासना है आदि जो भग बन कर आए थे, तो शेष 93 पुत्रों ने 7 पुत्रों को साथ दे दिया। खग बन कर आए थे अपने भाई, अपने भाइयों से ही तब वो साथ पाए थे। साथ दे दिया कि जाओ तुम अपना योग भूल जाओ, योग भूल जाओ, चरणों में गिर पड़े कि हमको ऐसा ना साथ दीजिएगा। आ जाओ जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा ये योग वाला श्लोक, तो तुम्हें अपनी याद पुनः वापस आ जाएगी। अगली योग भाई वही कि वही योग उनको वही जब 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 वही योग उनको फिर से बतलाया है, अरे वही योग उनको फिर से बतलाया है, तो जो योगी भूले थे सब याद आया है। क्या बताया? क्या तुम सब योगी हो? ये बड़े तुम योगी हो से आप, तुम भी सुनो मैं जो कह रहा हूं, सचमुच योगी हो आप, क्या तुम्हें याद नहीं? सचमुच योगी हो आप, क्या तुम्हें याद नहीं? सहते फिरते संताप, क्या तुम्हें और सुनिएगा, दूसरा सुनिएगा। भीष्म पितामह वाणों की सैया पर लेते हैं, क्या बात, कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण मुझे इतने कांटे छेद दिए गए शरीर में, अब मैं मृत्यु को ही बार बार आ रहा हूं। बताने लगे, कहा कि हे पितामह आप, आपको कोई बात भूलने वाली नहीं है, आप तो अपने पूर्व जन्मों को देख सकते हैं, जरा देखिए। पितामह ने कहा मैंने अपने एक जन्म नहीं 100 जन्म देख डाले, 100 जन्म तक मेरा कोई ऐसा पाप नहीं है, बताइए कि नहीं ऐसा क्यों हुआ? आप अपने पूर्व जन्मों को देख सकते हैं, तो कन्हैया सुनिए। जय हो, भीष्म कहे 100 जन्मों तक नहीं पाप है मेरा, कहने लगे पितामह याद करो, तुम जब महाराजा थे, जब तुम महाराजा थे
तो एक स्टाफ चलाया था। क्या बात, क्या बात। रथ पर बैठकर जा रहे थे, रास्ते में एक सांप पड़ा था, तो तुमने सोचा कि सांप मर ना जाए, आपने धनुष से उठा करके धनुष के नोक से उठा करके फेंक दिया। लेकिन ये नहीं देखा कि सांप गया कहाँ, वो कटीली झाड़ियों में फंसकर कई महीने तक तड़पता रहा। उसने सांप दिया कि जिसने मेरी ये दुर्गति है, जाओ मैं मरते मरते सांप देता हूँ कि इसी तरह कांटों में फंसकर कई महीनों तक उसको भी तड़पना पड़ा। जब तुम महाराजा थे तो एक सांप चलाया था, उस सांप के द्वारा ये सांप पाया। उस सांप का है संतान, ये उस सांप का है संतान, क्या तुम्हें याद नहीं। उस सांप का है संतान, क्या तुम्हें याद नहीं, जिससे बाते दुख आप क्या तुम्हें। मैं भी यही सोच रहा था गांधीवाला जी कि पाकिस्तान की बात लगाऊंगा और कहूंगा पाकिस्तान से हम रिश्ते में तुम्हारे बाप क्या तुम्हें याद नहीं। लेकिन आपने कह दिया बाप है हिंदुस्तान, अब मैं उसको छोड़ देता हूँ। सुनिएगा एक बात, क्या निर्णय हुआ, सारा हिंदुस्तान उछल पड़ा। क्योंकि कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट का सबसे बड़े न्यायालय का जजमेंट था कि राम मंदिर वही बने, राम मंदिर की चर्चा से चली अजब बाधी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, चली अजब बाधी। सारे लोग कहे ठीक हुआ निर्णय, ठीक हुआ, लेकिन उस निर्णय से ना खुश थे, उस निर्णय से ना खुश थे केवल राहुल गांधी। का गलत निर्णय हुआ, गलत निर्णय हुआ, उसको समझाया अमित शाह ने, कहा बउआ सुनो, सुनो बउआ, न्यायालय का निर्णय ना तुमको भाया है, ना तुमको भाया है, लेकिन हमसे पहले ताला बंद था। क्या तुम्हें पता बेटा, क्या तुम्हें पता ताला किसने खुलवाया है। ये कहा नहीं बोले, जिसने खुलवाया वो तुमने ही थे बाप, ये वो तुमने ही थे बाप, क्या तुम्हें याद है। राजीव गांधी ने ही खुलवाया था ताला, क्या बात है ये जवाब। वो तुमने ही थे बाप, क्या तुम्हें याद नहीं।
अब क्यों करते संताप क्या तुम्हें तुम्हें